यहाँ का मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी स्टाफ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जबलपुर एक छोटा सा शहर है, पर फिर भी हमारे यहाँ इतनी अच्छी मेडिकेशंस थी कि मुझे शौक था। लाइक आई वाज शॉक कि यहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकेशंस है, सब फैसिलिटीज है, हर रूम में वेंटिलेटर है, O2 है, तो बहुत ही अच्छे से इलाज हुआ। मेरे पापा का भी बहुत अच्छे से इलाज हुआ, मुझे तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब बहुत अच्छे से सब ने केयर किया। जो पहले की नर्स है वो भी मुझे चार चार बार कॉल करके, मोनिका नर्स है, पूछती रहती है, तो बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हाँ, इन सबको सबसे ज्यादा थैंक यू, इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की मेरी और सभी लोगों की, अभी भी जो पेशेंट्स हैं। और बाकी जबलपुर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, अखिल मिश्रा है जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड है, उन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। लायंस क्लब के प्रभात अंकल है, उन्होंने रोज हमारे साथ पूजा की, और हमारे मौसा जी मौसी, उन्होंने हमारा पूरा सामान डेली भिजवाया, तो उन सबको सबसे ज्यादा थैंक यू। और बाकी पूरे जबलपुर शहर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, और डॉक्टर्स तो भगवान ही है यहाँ पे। आप ये आपके अपने पिताजी को हुआ, अपनी माँ को हुआ, तो उनसे आपने साथ में रह के कैसे फाइट किया, तो वो थोड़ा सा जैसे उनको आप वो ठीक होके चले गए, है ना, उसके बाद फिर आपको थोड़ा आपको टाइम लगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। जी, मुझे मतलब एक्चुअली तो असमंजस हुआ पहले कि मेरा पॉजिटिव कैसे आ गया फिर से, पर शायद तक मतलब हमें इतनी लाइक स्ट्रांग दवाइयां भी नहीं दी गई होंगी, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी भी लड़ सकती है, तो उसकी वजह से था। और बाकी इतने कॉल्स आ रहे थे मुझे, इतना मतलब वो उत्साहित कर रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि आपको तो सही होना ही है, तो अंदर से भी इच्छा था कि सही तो होना ही है। और बाकी सपोर्ट तो पता ही था कि सब करेंगे, तो डर बिल्कुल नहीं लगा मुझे। बुरा डेफिनेटली लगा, पर डर बिल्कुल नहीं लगा। मैं जनरली भी कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो डर नहीं लगा था, मुझे पता था सही तो होना है जब इनका स्टाफ है और डॉक्टर इतने अच्छे हैं। जी बिल्कुल।